Hello dear everyone, my name is Samim Malik, as known as Sam. Welcome to my YouTube channel, as known as Sam Hyde Action. आज का जो कैटेगरी है वो है रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी और इसका जो टॉपिक है वो है गूगल ट्रांसलेट. डियर एवरीवन, आजकल इंटरनेट में आपको हर वो चीज जो आप ढूंढना चाहते हो, अगर आप किसी चीज को सर्च करना चाहते हो, वो सारे इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट में मिल जाएगा. आजकल पूरी दुनिया में इंटरनेट काफी मशहूर बन चुकी है. दुनिया के हर जगह में आपको इंटरनेट मिल जाएगा. इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है या इंटरनेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर आपको हर वो चीज जिसको आप ढूंढना चाहते हो या हर वो चीज जिसको आप जानना चाहते हो, आपको इन तमाम चीज इंटरनेट में आपको मिल जाएगा. इंटरनेट अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा स्कूल है जहां पर आप हर वो चीज सीख सकते हो जो दुनिया के किसी भी जगहों में या किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी भी स्कूल में आपको नहीं सिखाया जाता, वो हर चीज आप इंटरनेट में सीख सकते हो. लेकिन इंटरनेट में ज्यादातर इंफॉर्मेशन आपके मदर टंग लैंग्वेज के साथ मैच नहीं करती और ज्यादातर इंटरनेट इंग्लिश या किसी और भाषा में है जिस लैंग्वेज के बारे में आपको पता नहीं. और ऐसे में अगर आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो, किसी चीज के बारे में स्टडी करना चाहते हो या किसी चीज की तहकीकात इंटरनेट में करते हो, उस चीज की इंफॉर्मेशन अगर इंटरनेट में आपके भाषा में मौजूद नहीं है तो आप निराश होकर उसको छोड़ देते हो. इसी को मद्देनजर रखते हुए गूगल ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी निकाल डाली जो आपको इंटरनेट में हर वो चीज जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हो, आप बहुत ही आसानी से हर वो चीज की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो. वैसे यहाँ पर आपको बता दे, लैंग्वेजेस या भाषा के बारे में इंटरनेट में कई सारे वेबसाइट मौजूद है और कई सारे सॉफ्टवेयर मौजूद है. लेकिन आज हम जिस सॉफ्टवेयर के बारे में या जिस वेबसाइट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है वर्ल्ड के सबसे बेस्ट ट्रांसलेटरों में से एक गूगल ट्रांसलेट के बारे में बात करने जा रहे हैं. शुरू करने से पहले हम गूगल ट्रांसलेट के बारे में जान लेते हैं. व्हाट इज गूगल ट्रांसलेट? गूगल ट्रांसलेट क्या है? गूगल ट्रांसलेटर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर यानी एक भाषा को दूसरे भाषा में ट्रांसलेट यानी अनुवाद करने की डिजिटल मशीन है. गूगल ट्रांसलेटर मशीन आप वेब ब्राउजर और एंड्रॉइड और आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल किया जा सकता है. गूगल ट्रांसलेटर को जानने या सीखने से पहले इसका हिस्टोरी जान लेते हैं. इस ट्रांसलेट टेक्नोलॉजी को 2006 में SMT यानी स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन सर्विस के मदद से यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन पार्लियामेंट इन दोनों देशों के बीच में इस्तेमाल किया जाता था. उस वक्त इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ टेक्स्ट टू इंग्लिश यानी ये मशीन सिर्फ वर्ड को ट्रांसलेट करता था. फिर इंग्लिश टू टारगेट लैंग्वेज यानी इंग्लिश से आप जिस भाषा में ट्रांसलेट करना चाहते हो उस भाषा में कन्वर्ट होता था. ये कई सालों तक इस्तेमाल होता रहा और फिर 2011 में ये वेबसाइट और ओएस और आईओएस में रिलीज किया गया और फिर 2016 में GNMT यानी गूगल न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन इंजिन को इस्तेमाल करके ह्यूमन स्पीकिंग और प्रॉपर ग्रामर और कुछ भाषा के साथ इसको लॉन्च किया गया और फिर 2017 आते आते इसको काफी अच्छी तरह से अपग्रेड करके 500 मिलियन यानी 50 करोड़ लोगों के साथ इसको इस्तेमाल करना शुरू हो गया. इसको अपग्रेड करने के बाद इसमें कई सारे फीचर यानी सुविधा ऐड किया गया. जैसे अगर आप गूगल ट्रांसलेट को वेबसाइट में इस्तेमाल करते हो तो आपको टेक्स्ट टाइपिंग, प्रोनंसिएशन, टेक्स्ट राइटिंग, डायरेक्ट स्पीकिंग और 104 भाषा के साथ इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो. और अगर आप इसको मोबाइल या टैबलेट पीसी में एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हो तो आपको बहुत सारे फीचर यानी सुविधा आपको मिलता है, जिसमें आपको वेबसाइट में जो फीचर या सुविधा है उन तमाम फीचर के साथ साथ कन्वर्सेशन, हैंडराइटिंग और कैमरा में स्कैन कर किसी भी भाषा को स्कैन करके आप ट्रांसलेट कर सकते हैं. इस
गूगल ट्रांसलेटर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आप दुनिया में किसी भी भाषा में किसी भी चीज के बारे में जान सकते हो और इंटरनेट में हर वो इंफॉर्मेशन जिसको आप हासिल करना चाहते हो, हर वो चीज आप इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छी तरह से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। चलिए हम गूगल ट्रांसलेट को मोबाइल पर कैसे इस्तेमाल करते हैं, आइए लाइव स्क्रीन पर सीख लेते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल में अपना वाईफाई ऑन कर लीजिए, उसके बाद अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और फिर सर्च बार में टाइप कीजिए गूगल ट्रांसलेट। उसके बाद आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। सिंपली आप गूगल ट्रांसलेट पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आप गूगल ट्रांसलेट को इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आप अपने होम स्क्रीन पर आ जाइए और गूगल ट्रांसलेट के एप्लीकेशन के आइकन को सिंपली क्लिक करके ओपन कर लीजिए। फिर आपको गूगल ट्रांसलेट का कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आइए हम गूगल ट्रांसलेट को बेसिक इस्तेमाल करने का तरीका जान लेते हैं। सबसे पहले जो ऊपर का ऑप्शन है, ये भाषा को ट्रांसलेट यानी अनुवाद करने का ऑप्शन है। यहाँ जो पहला वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन जिस भाषा को आप ट्रांसलेट करना चाहते हो या जिस भाषा को अनुवाद करना चाहते हो उस भाषा के बारे में है। और यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है, ये ऑप्शन आप जिस भाषा में ट्रांसलेट करके समझना चाहते हो या आपका जो भी भाषा है उस भाषा के बारे में है। सबसे पहले हम ये पहला वाला ऑप्शन जान लेते हैं। सबसे पहले आप जिस भाषा को ट्रांसलेट करना चाहते हो उस भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है, सिंपली आप उस पर टच कर दीजिए। फिर आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा। यहाँ से आप जिस भाषा को ट्रांसलेट यानी अनुवाद करना चाहते हो उस भाषा को यहाँ से चुन लीजिए, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है, यहाँ से आप जिस भाषा में ट्रांसलेट यानी अनुवाद करके समझना चाहते हो उस भाषा को यहाँ से चुनने के लिए आप सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा। आप सिंपली यहाँ से आपका जो भी भाषा है यहाँ से चुन लीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ जो भाषा के साइड में ये डाउनलोड का जो आइकन दिखा रहा है, अगर आप किसी भाषा को ऑफलाइन यानी बिना इंटरनेट का ट्रांसलेट करना चाहते हो तो सिंपली जो डाउनलोड का आइकन है आप उस पर क्लिक करके उस भाषा को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और आप कभी भी बिना इंटरनेट के भी ऑफलाइन ट्रांसलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तो हम यहाँ से हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर हिंदी ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं सिंपली हिंदी को चुन लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो टाइप पर है टैप टू एंटर टेक्स्ट, आप सिंपली उस पर टच कर दीजिए। फिर आपको अपने मोबाइल का कीबोर्ड दिखाई देगा। आप जो भी इंग्लिश में टाइप करके ट्रांसलेट करना चाहते हो उसको सिंपली अपने कीबोर्ड से टाइप कर दीजिए, फॉर एग्जाम्पल मदर, और फिर सिंपली ड्रॉप साइड के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपको कुछ इस तरह का ट्रांसलेट की हुई पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हिंदी सिलेक्ट की हुई भाषा है यहाँ पर नीचे उस भाषा में ट्रांसलेट करके आपको बहुत ही अच्छी तरह से रिजल्ट दे चुका है। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो आपकी सिलेक्ट की हुई भाषा हिंदी के बाजू में माइक की तरह आइकन है, आप सिंपली उस पर क्लिक करके इस भाषा का प्रोनंसिएशन यानी इस भाषा का उच्चारण भी बहुत ही आसानी से इस सॉफ्टवेयर की मदद से सुन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस प्रोनंसिएशन को हिंदी या इंग्लिश में सुनने के लिए आप सिंपली इस माइक के आइकन पर क्लिक कर दीजिए, तो आप सुन सकते हैं कि हिंदी में बहुत ही अच्छी तरह से प्रोनाउंस यानी उच्चारण करके बता रहा है। और अगर आप अपने सिलेक्ट की हुई भाषा यानी जैसे मैं यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट कर चुका हूँ उस भाषा में आप सुनना चाहते हो तो इंग्लिश के साइड में जो माइक की तरह आइकन है आप सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए, तो आप सुन सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से इंग्लिश में भी प्रोनाउंस यानी उच्चारण करके बता रहा है। उसके बाद मैं आपको ट्रांसलेट की बेसिक चीजों के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर जो स्टार की तरह आइकन है, अगर आप सिंपली इस पर क्लिक करते हो तो ये ट्रांसलेट की हुई वर्ड अपने मोबाइल में सेव हो जाएगा। और फिर यहाँ जो कोने पर ट्रिपल लाइन का आइकन है आप सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपको कुछ इस तरह का पॉपअप साइट दिखाई देगा। यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है फेसबुक, आप सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए और आप देख सकते हैं आपने जो ट्रांसलेट की हुई मदर वर्ड है वो यहाँ पर सेट हो चुका है। आप उसको देखने के लिए सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए और आप देख सकते हैं आपका सेव की हुई वर्ड यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरह से दिखा रहा है। अगर आप किसी वर्ड को ट्रांसलेट करके हमेशा याद रखना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी सुविधा हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर जो कॉपी का आइकन है, अगर आप इस वर्ड को कॉपी करके किसी को भेजना चाहते हो तो सिंपली आप इस आइकन पर क्लिक करके कॉपी कर लीजिए और आप बहुत ही आसानी से व्हाट्सएप या किसी भी जगह में इसको पेस्ट करके शेयर कर सकते हो या इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो ट्रिपल डॉट का आइकन है सिंपली आप उस पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपको कुछ इस तरह का पॉपअप पेज दिखाई देगा। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो है शेयर। अगर आप इस वर्ड को डायरेक्ट किसी को शेयर करना चाहते हो तो यहाँ पर सिंपली शेयर के आइकन पर क्लिक कर दीजिए
तो आप डायरेक्ट यहाँ से सोशल साइट या किसी को भी इस वर्ड को शेयर कर सकते हो। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो है फुल स्क्रीन। आप सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए तो आप देख सकते हैं तो ये फुल स्क्रीन में आपको ट्रांसलेट करके बहुत ही अच्छी तरह से दिखा रहा है। फिर इसको बैक करके दोबारा उसी आइकन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है वो स्टार्ट कन्वर्सेशन, इसके बारे में हम यहाँ पर अच्छी तरह से जानेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो रिवर्स ट्रांसलेट का ऑप्शन है, अगर आप इसको रिवर्स ट्रांसलेट करना चाहते हो सिंपली आप इस पर क्लिक करके यहाँ से आप रिवर्स ट्रांसलेट कर सकते हो। इसके अलावा इन दोनों भाषा के बीच का जो आइकन है आप सिंपली उस पर क्लिक करके भी इसको रिवर्स ट्रांसलेट कर सकते हो। उसके बाद इस भाषा का अल्टरनेटिव ट्रांसलेशन भी यहाँ पर आ चुका है और उसका डेफिनेशन भी नीचे आ चुका है। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो आप यहाँ से बहुत ही अच्छी तरह से नाउन वर्ब के बारे में सीख सकते हो। ठीक इसी तरह से आप कोई भी वर्ड या सेंटेंस को हिंदी में टाइप करके इंग्लिश में भी बहुत ही अच्छी तरह से उसको ट्रांसलेट या अनुवाद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप सिंपली रिवर्स ट्रांसलेट का जो आइकन है आप सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए, फिर यहाँ पर आप हिंदी में कुछ भी टाइप कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा भारत महान है, और उसके बाद इस साइड बार के आइकन पर सिंपली क्लिक कर दीजिए। फिर आप देख सकते हैं ये हिंदी से इंग्लिश में बहुत ही अच्छी तरह से ट्रांसलेट करके उसका रिजल्ट आपको दे चुका है। इसी तरह से आप किसी भी वर्ड या सेंटेंस को ट्रांसलेट करके यहाँ पर उसका अनुवाद बहुत ही आसानी से जान सकते हो। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो है वॉइस। अगर आप कोई भी वर्ड को टाइप नहीं कर पा रहे हो या टाइम के कमी की वजह से आप टाइप नहीं करना चाहते हो तो सिंपली आप वॉइस का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपको कुछ इस तरह का पॉपअप पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आप डायरेक्ट वर्ड को बोल के भी ट्रांसलेट कर सकते हो। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो है कन्वर्सेशन। अगर आप ट्रांसलेटर के साथ हिंदी या इंग्लिश या आपका जो भी भाषा है उसमें कन्वर्सेशन यानी इस सॉफ्टवेयर के साथ बातचीत करना चाहते हो तो सिंपली आप कन्वर्सेशन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप जो भी आपका भाषा है उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से कन्वर्सेशन यानी बातचीत भी कर सकते हो। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो है हैंड राइटिंग। अगर आप टाइप करने के बदले में लिखना चाहते हो तो सिंपली हैंड राइटिंग पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा। आप सिंपली जो भी लिखना चाहते हो सिंपली यहाँ पर लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल एस, फिर उसके बाद यू एन। तो आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर आप राइट यानी लिख चुके हो उसको बहुत ही अच्छी तरह से ट्रांसलेट करके आपको यहाँ पर दिखा रहा है। आप सिंपली यहाँ पर ड्रॉप साइट आइकन पर क्लिक कर दीजिए तो आप देख सकते हैं आपकी लिखी हुई आपके राइटिंग को भी बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर दिखा रहा है। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है कैमरा स्कैन। अगर आप किसी चीज को डायरेक्ट अपने मोबाइल के कैमरा से स्कैन करके उसको ट्रांसलेट करना चाहते हो तो आप सिंपली इस कैमरा के आइकन पर क्लिक करके अपने मोबाइल के कैमरे से डायरेक्ट स्कैन करके उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। लेकिन आपको डायरेक्ट मोबाइल से ट्रांसलेट या अनुवाद करने के लिए आपको मोबाइल का डेटा ऑन रहना चाहिए। फिर अपने मोबाइल डेटा ऑन करने के बाद आप सिंपली कैमरा के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर मेरे हाथ में एक बुक्स है जिसको मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, और अगर आपके मोबाइल में फ्लैश का ऑप्शन है तो आप प्लीज उसको ऑन कर लीजिए ताकि ये बहुत ही क्लियर आपको दिखाई दे। तो प्लीज यहाँ पर जो फ्लैश का आइकन है आप सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से डायरेक्ट किताब में लिखी हुई इंग्लिश आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है। और उसके बाद आप सिंपली कैमरा के आइकन पर सिंपली क्लिक कर दीजिए और उसके बाद उस आर्टिकल को कैप्चर कर लीजिए। फिर ये स्कैन होगा, उसके बाद आप जिस लाइन को या जिस वर्ड को या जिस सेंटेंस को ट्रांसलेट यानी अनुवाद करना चाहते हो तो आप सिंपली उस सेंटेंस को ड्रैग कीजिए और आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से उसको ट्रांसलेट करके आपके सिलेक्ट की हुई भाषा हिंदी में रिजल्ट दे रहा है। आप सिंपली ड्रॉप साइट के आइकन पर क्लिक कर दीजिए और आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका बहुत ही अच्छी तरह से ट्रांसलेट करके उसका मतलब दिखा रहा है। उसके बाद आप दोबारा कैमरा के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर जो फ्लैश के साइड में एक आइकन है आप सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए और आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट इंग्लिश की आर्टिकल को लाइव ट्रांसलेट करके आपको दिखा रहा है। तो इस कैमरा के फीचर को इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी से किसी भी भाषा को ट्रांसलेट करके उसका मतलब समझ सकते हो। तो ये था कुछ बेसिक गूगल ट्रांसलेट को इस्तेमाल करने का तरीका। अब कुछ एडवांस ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। एडवांस ऑप्शन को जानने के लिए यहाँ पर जो कोने पर ट्रिपल लाइन का आइकन है आप सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपको कुछ इस तरह का ड्रॉप साइट आइकन दिखाई देगा। तो उसके बाद यहाँ पर जो सबसे पहला आइकन है वो आपके गूगल अकाउंट के बारे में है। अगर आपको गूगल अकाउंट के बारे में पता नहीं तो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको क्लिक करके गूगल अकाउंट के बारे में बहुत ही अच्छी तरह
तरह से समझ सकते हो। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो है होम। होम मतलब जो भी आपका इंटरफेस है वो होम है। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो है फेसबुक। फेसबुक के बारे में आई होप आप जान चुके हो। अगर आपको अभी भी डाउट है मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। अगर आप कोई भी ट्रांसलेट की हुई वर्ड को हमेशा याद रखना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर जो स्टार का आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये वर्ड यहाँ पर फेसबुक में आपको दिखाई देगा। यहाँ से आप बहुत ही अच्छी तरह से कभी भी इस वर्ड को देख सकते हो। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो है SMS ट्रांसलेशन। अगर आप आपके मोबाइल के किसी SMS को ट्रांसलेट करना चाहते हो तो सिंपली आप SMS ट्रांसलेशन पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद अलाउ पर क्लिक कर दीजिए तो आपके मोबाइल में आई हुई कोई भी SMS को आप यहां से आप बहुत ही अच्छी तरह से ट्रांसलेट कर सकते हो। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो है ऑफलाइन ट्रांसलेशन। आप सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा। अगर आप किसी भाषा को ऑफलाइन यानी बिना इंटरनेट के इस्तेमाल करना चाहते हो तो सिंपली यहां पर जितने भी भाषा के साइड में डाउनलोड का आइकन है आप सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आपको कुछ इस तरह का पॉपअप पेज दिखाई देगा। आप सिंपली यहां से डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करके उस भाषा को डाउनलोड करके ऑफलाइन यानी बिना इंटरनेट के भी इस्तेमाल कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ उस भाषा के साइड में यहाँ पर डिलीट की तरह आइकन दिखाई देगा। उसके बाद का जो ऑप्शन है बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन यानी सेटिंग्स के बारे में। आप सिंपली सेटिंग्स पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा। यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है टैप टू ट्रांसलेट। आप सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए, फिर आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा। अगर आप किसी भाषा को बिना गूगल ट्रांसलेट को ओपन किए ट्रांसलेट करना चाहते हो यानी डायरेक्ट किसी भी वेबसाइट या किसी भी वर्ड या टॉपिक को ट्रांसलेट करना चाहते हो तो सबसे पहले ये जो एनेबल का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके इसको एनेबल कर दीजिए और उसके बाद नीचे प्रीफर्ड लैंग्वेज के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद लैंग्वेज दैट यू ट्रांसलेट मोस्ट ऑफन यानी अक्सर जिस भाषा को आप ट्रांसलेट करना चाहते हो उस भाषा को इस पर क्लिक करके उसको चुन लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इंग्लिश को चुन लेता हूँ। फिर उसके बाद आप बैक में जाकर इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद आप किसी भी जगह में किसी भी टॉपिक या सेंटेंस को आप सिंपली सिलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए और आप जैसे ही कॉपी करते हो उसके बाद यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट का पॉपअप आइकन दिखाई देगा। आप सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर नीचे जिस भाषा में आप ट्रांसलेट यानी अनुवाद करना चाहते हो उस भाषा को इस पर क्लिक करके चुन लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हिंदी। और आप देख सकते हैं यहाँ से आप बहुत ही आसानी से किसी भी भाषा को बिना गूगल ट्रांसलेट के एप्लीकेशन को ओपन किए डायरेक्ट ट्रांसलेट कर सकते हो, चाहे वो कोई भी इंटरनेट वेब हो या किसी भी सोशल मीडिया का वेबसाइट हो। उसके बाद यहाँ पर जो न्यू ट्रांसलेशन का ऑप्शन है आप सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट किसी वर्ड को ट्रांसलेट करना चाहते हो तो यहाँ से उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर डाटा यूसेज और स्पीच इनपुट का ऑप्शन, ये ऑप्शन इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, आप इसको सिंपली बाय डिफॉल्ट ही छोड़ दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर नीचे क्लियर हिस्टोरी यानी अगर आप ट्रांसलेट की हुई वर्ड या सेंटेंस को क्लियर करना चाहते हो तो सिंपली क्लियर हिस्टोरी पर क्लिक करके हर ट्रांसलेट की हुई वर्ड या सेंटेंस को क्लियर यानी मिटा सकते हो। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो है हेल्प एंड फीडबैक। अगर आप किसी चीज के बारे में गूगल ट्रांसलेट से हेल्प यानी मदद लेना चाहते हो तो हेल्प एंड फीडबैक में क्लिक करके गूगल से मदद ले सकते हो। तो ये था गूगल ट्रांसलेट को मोबाइल में इस्तेमाल करने का बेसिक तरीका। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत ही अच्छी तरह से इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना आ जाएगा और आप किसी भी वेबसाइट या कोई भी टॉपिक को यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हो। मुझे पूरी तरह से उम्मीद है आप इस वीडियो के टॉपिक के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके हो और कुछ नया सीख चुके हो। और अगर आप इसी तरह से स्मार्ट लाइफ जीने के लिए स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स सीखना चाहते हो तो प्लीज हमारे इस YouTube फैमिली को ज्वाइन कर लीजिए और ये बिल्कुल फ्री है। आपको हमारे इस YouTube फैमिली को ज्वाइन करने के लिए सिंपली इस सब्सक्राइब के आइकन पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद इस नोटिफिकेशन आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए हमारे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज इस लाइक के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। और
और अगर आप इस वीडियो के बारे में अपने प्रियजनों को बताना चाहते हो तो इस शेयर के आइकन पर क्लिक करके अपने प्रियजनों को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे सारे वीडियो देखना चाहते हो तो इस सैम हाइड एक्शन के आइकन पर क्लिक कर दीजिए और फिर आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा। आप यहां से हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब फैमिली को ज्वाइन कर चुके हो तो आपका बेहद शुक्रिया। तब तक के लिए लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रेजेंट यू नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज कीप बीइंग विद मी टू लर्न समथिंग टेक्निकल समथिंग फिजिकल गेट रिजल्ट ऑलवेज मिरेकल। थैंक यू।